15 मॉडल है, डीजल की है, एसएक्स मॉडल 1.6। सो एसएक्स मॉडल है, इसकी डिमांड 990 डिमांड प्राइस है इसका, एंड लास्ट प्राइस स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक ऑप्शन देख रहे हो तो ये मतलब ये सिर्फ 3000 चली है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, एक और वीडियो में मैं गुरनाम आपका स्वागत करता हूँ। एंड एक बार फिर मैं चंडीगढ़ में मणिकांत जी के साथ आरबीटी के यहाँ पे चंडीगढ़ फेस वन में जो कि इनका सेटअप है, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स हैं इनकेस अगर आप यहाँ पे जाना चाहो तो आ सकते हो। सो भाई साहब, एक बार फिर अपने यहाँ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दो, बिकॉज जो पहले ब्लॉग में आपने कवर किया था, बट व्यूअर्स हमेशा नए होते हैं, सो एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। भैया हमारा आरबीटी के नाम से है चंडीगढ़ में, राइट बॉय टॉय इंडस्ट्री एरिया फेस वन चंडीगढ़, हमारा यूज कार्स का शोरूम है और हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल ब्रांड्स है। हमारे पास लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, एक्सचेंज फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अगर आप अपनी कार देना चाहते हैं और दूसरी कार लेना चाहते हैं, या आप सिर्फ अपनी कार देना चाहते हैं, तब भी हम आपकी कार बाय करेंगे और विद इन 20 मिनट्स आपको पेमेंट मिलेगी। सो हर ब्रांड की गाड़ी एक्सचेंज ऑफर के साथ भी आपको अवेलेबल है, हर ब्रांड हर सेगमेंट की गाड़ी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर और देखते हैं इनका स्टॉक। सो ये इनका मेन स्टॉक एरिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम गाड़ियों की बात करें तो एक से बढ़कर एक बिल्कुल अच्छी कंडीशन में गाड़ियाँ लगी हुई हैं, आगे तक आप देख सकते हैं, जो कि आगे हम वीडियो में आपको एक एक करके सब गाड़ियों की डिटेल बताएंगे। सो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मारुति की इग्निस से। गाड़ी काफ़ी अच्छी है दिखने में, गाड़ी की कंडीशन अपीयरेंस ओवरऑल अच्छा प्रोडक्ट है मारुति का। 2020 मॉडल है ये, बिल्कुल न्यू वाला मॉडल है एंड सिल्वर कलर में ये गाड़ी है। गाड़ी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है, मतलब ये सिर्फ 3000 चली है, ओनली 3000 चली हुई गाड़ी है ये, लाइक न्यू, बिल्कुल जस्ट लाइक न्यू। एंड चंडीगढ़ में रजिस्टर्ड है और ये डीजल वेरिएंट है, पेट्रोल, ये पेट्रोल में है। सो ये रोल का भैया ये बीच वाला मॉडल है ना, ये टॉप है ना ये बेस है। सो ये मिडल वाला मॉडल है एंड फर्स्ट ऑनर है ये गाड़ी, ऑल ओरिजिनल विद दो कीज आपको इसमें मिल जाएंगी, मतलब नई जैसी गाड़ी आप घर ले जा सकते हो। 2020 मॉडल है, 3000 चली हुई ओनली। सो इसका क्या डिमांड प्राइस है और लास्ट देने वाला प्राइस? भैया 570 हम डिमांड कर रहे हैं, 570 का आईडिया है, बाकी थोड़ा बहुत और टेबल हो जाएगा। सो ऑन टेबल स्कोप हमेशा ही रहता है, तो इन्होंने बता ही दिया आपको कि क्या प्राइस रेंज में आपको ये गाड़ी मिलने वाली है। उसके बाद प्रीमियम हैचबैक हुंडई की अगर हम बात करें तो i20 यहाँ पे लगी हुई है, चंडीगढ़ रजिस्टर्ड ये गाड़ी है एंड 2017 का ये मॉडल है, बिल्कुल लेटेस्ट वाला। ये भी नई गाड़ियाँ इन्होंने इसीलिए ये अंदर लगा रखी हुई हैं। सो ये सारे ही अच्छे, मतलब आप नए वाले मॉडल हैं ये सभी कार्स के। सो डायमंड कट अलॉय व्हील प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको इस मॉडल में मिल जाएंगे एंड 65,000 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है। ये पेट्रोल वेरिएंट है, डीजल है भैया ये। सो ये डीजल है, सो डीजल मॉडल है, आस्था ऑप्शनल, 6 एयरबैग्स, पुश बटन स्टार्ट। सो 6 एयरबैग्स विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सो बड़ा डिस्प्ले टच पैनल आपको इसमें मिलेगा एंड अलॉय व्हील कट डायमंड कट प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। सो ओवरऑल अच्छी गाड़ी है एंड इसका क्या डिमांड? 690 हम इसकी डिमांड कर रहे हैं, 690 डिमांड कर रहे हैं। और अगर नई लेनी हो तो कितने की है ये? भैया 10.5 लाख, 10.5 लाख की है, 690 जो है वो डिमांड प्राइस है, 2017 मॉडल का डीजल वेरिएंट। एंड इसका लास्ट प्राइस क्या लग जाएगा भैया? 660 की दे देंगे। सो 660 के आसपास अगर आप नेगोशिएशन करेंगे तो डेफिनेटली, इन्होंने हर वीडियो में बताया है कि नेगोशिएशन का स्कोप हमेशा रहता है, वो डिपेंड करता है कि डील कब कैसे हो रही है। एंड उसके बाद हमारे पास है ऑडी A6, ये 2014 मॉडल है भैया, 13 मॉडल है ये एंड रजिस्टर्ड 14 है। ओके, 60,000 चली है, हरियाणा का सिंगल डिजिट नंबर है, नंबर साथ में मिलेगा। सो इसका ये बड़ा VIP नंबर है, 0004। सो इस नंबर की भी अपने आप में काफ़ी अच्छी खासी अहमियत और कीमत होती है जब इसको लेना जाते हैं लोग। तो सनरूफ इसमें मिलेगा और ऑडी बहुत तगड़े वाला ब्रांड है। इसका कितना प्राइस भैया? 16 हम इसकी डिमांड कर रहे हैं, डिमांड 16 लाख की है और 15 का आइडिया भैया देने का, 15 का 1 लाख रुपया सीधा डिस्काउंट आपको इस गाड़ी पे मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास करोला अल्टिस, टोयोटा की लग्जरियस सेडान कार एंड ये डीजल वेरियंट है, कंपनी फिटेड अलॉय व्हील, सेफ्टी एयर बैग्स, 2011 मॉडल है, सेफ्टी एयर बैग्स हैं, बिल्कुल एंड 5,15,000 रुपया इसकी जो है डिमांड प्राइस है। बाकी ऑन द टेबल थोड़ा बहुत रिगार्ड प्लस ये 98 एक लाख किलोमीटर के आसपास चली हुई है एंड ये गाड़ी भी फर्स्ट ऑनर ही है। सो ऑलमोस्ट जैसा कि मणिकांत जी ने पहले भी बताया था कि सब गाड़ियां जो हैं वो लगभग फर्स्ट ऑनर है, ये बहुत बड़ा एक बेनिफिट रहता है जब आप सेकेंड हैंड
कार परचेज करते हो, क्योंकि कल को जब आप उसको सेल करने के लिए जाते हो तो आपको अच्छी रीसेल वैल्यू उसकी मिल जाती है। अगेन एक और कार है जो कि ऑडी ही है, A4 है, एंड ये 2011 मॉडल है, सनरूफ। ये 2011 मॉडल है डीजल में, ऑडी A4। 880M डिमांड कर रहे हैं, 8 लाख का आइडिया, बाकी थोड़ा बहुत और नेगोशिएट हो जाएगा ऑन टेबल। सो कई लोगों की चॉइस होती है कि ऑडी लेनी है, बजट भी कम है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है और काफ़ी पैसा बचाया जा सकता है अगर आप सेकंड हैंड कार को अच्छे से जांच परख के ले लेते हो तो। सो इसकी NOC ये दे देंगे, राइट नाउ इस पे दिल्ली का नंबर लगा हुआ है, बट ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, NOC ये देंगे और आपको ये NOC प्रोवाइड करवा के देंगे। उसके बाद HR में रजिस्टर्ड ये मर्सिडीज़ की गाड़ी है, मर्सिडीज़। इस गाड़ी के बारे में बताएं तो ये 2010 मॉडल है, ऑब्लिक इसमें 11 किया हुआ है, E250 मॉडल है ये, एंड ओनली 9,50,000 इसका डिमांड प्राइस है, 1 लाख के आसपास ये चल रही हुई है। बहुत बड़ी लग्जीरियस बड़ी सेडान कार है, काफ़ी तगड़े वाला बूट स्पेस, सेफ्टी फीचर सब कुछ आपको इसमें मिलेगा और सिर्फ 10 लाख में 2010 मॉडल। सो जैसा कि इसमें 950 आपने प्राइस रखा हुआ, तो लास्ट देने वाला प्राइस क्या है? 850 की दे देंगे। सो 850 इसका भी प्राइस आपको 850 में ये गाड़ी मिल जाएगी। एंड अब बात कर लेते हैं हुंडई की क्रेटा की, जो कि आजकल छाई हुई है, टॉप ट्रेंडिंग SUV है, सबसे ज़्यादा सेल इस गाड़ी की हो रही है अगर हम बात करें इस सेगमेंट में। सो हुंडई की बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये, एंड अगर मॉडल की इसकी डिटेल की बात करें तो चंडीगढ़ में ये रजिस्टर्ड है, बाकी मनीकांत जी हमें बताएंगे इस गाड़ी की फुल डिटेल्स। भैया 2015 मॉडल है, डीजल की है, SX मॉडल 1.6। सो SX मॉडल है, 2015 मॉडल, डीजल है ये, फर्स्ट ऑनर है गाड़ी की, 60,000 विद कंपनी रिकॉर्ड। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना भी चाहें तो वो भी कर सकते हैं। SX मॉडल बैक वाइपर, रूफ रेल्स एंड अलॉय व्हील एंड वो तमाम सारे फीचर्स, और हुंडई क्रेटा अपने आप में ही एक आज की 890 डिमांड कर रहे हैं भैया, 8.5 की दे देंगे। सो 890 डिमांड है, 8.5 की ये गाड़ी हो सकती है, 2015 मॉडल, डीजल वेरिएंट। तो उसके बाद एक और SUV की अगर बात करें तो 2013 डस्टर मॉडल है, एंड काफ़ी अच्छी कंडीशन गाड़ी की आप देख पा रहे हैं, 2013 मॉडल, 4,50,000 की इसकी डिमांड है। हरियाणा में ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, NOC आपको प्रोवाइड की जाएगी, एंड लास्ट प्राइस की अगर बात करें तो कितना रहेगा इसका प्राइस? भैया ऑन टेबल करा देंगे, 4.5 का आइडिया, 4-4.5 के बीच में कहीं। सो 4.5 का आइडिया है, 4.25 तक या उससे नीचे भी, बेस्ड ऑन द नेगोशिएशन कि आप कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता है। एंड उसके बाद महिंद्रा SUV स्कॉर्पियो, जो कि एक बहुत अच्छी SUV है, फैमिली कार भी है, और अगर आप महिंद्रा स्कॉर्पियो ऑटोमेटिक ऑप्शन देख रहे हो तो ये वाला ऑप्शन आपके लिए बहुत बेटर है। नए वाला मॉडल है ये, जब इसका फ्रंट जो ग्रिल है वो चेंज हुआ था, एंड प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेटअप है इसमें, एंड 2015 ये मॉडल है, 9 लाख मतलब 10 लाख की डिमांड है, ऑटोमेटिक है। सो इसका लास्ट प्राइस क्या लग जाएगा? ये 950 का ID है, बाकी थोड़ा बहुत और रिकॉर्ड हो जाएगा, तो 950 के आसपास ये गाड़ी आपकी हो सकती है। उसके बाद फॉर्च्यूनर, भाई फॉर्च्यूनर कोई कौन नहीं लेना चाहता, मतलब फॉर्च्यूनर तो जब सड़क पे दिखती है तभी हर किसी का मन यही बोलता है कि यार काश मेरे पास भी ये गाड़ी हो। सो आप अगर पुरानी गाड़ी लेना चाह रहे हैं और फॉर्च्यूनर आपके प्रेफरेंसेस में है तो मणिकांत जी बताइए इस गाड़ी की डिटेल। ये 2011 मॉडल है भैया, 2011 मॉडल, 4x4 मैनुअल है, डीजल 4x4 मैनुअल डीजल में ये है, एंड ये डीजल में ही होती है वैसे। हाँ जी, डीजल में आती है। ओके, सो 990 डिमांड प्राइस है इसका, एंड लास्ट 950 का आइडिया भी, 950 का। सो काफ़ी अच्छा प्राइस रखा हुआ है इस गाड़ी का, एंड ये बहुत मतलब कह सकते हैं कि सेगमेंट की जो है वो किंग है। सो ये गाड़ी भी आपकी हो सकती है, इन केस एनी क्वेरी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इस गाड़ी की डिटेल्स दे सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास है एक्सेंट कार हुंडई की, जो कि HP में रजिस्टर्ड है, एंड डीजल वेरिएंट है ये, 2016 मॉडल, बिल्कुल नया वाला वेरिएंट है, जिसकी माइलेज वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, एंड 4,70,000 की इसकी डिमांड है। सो बात करें कि कितनी चल चुकी है तो ओनली 51,000 चली हुई है, HP में रजिस्टर्ड है, HP में बद्दी में ये रजिस्टर्ड है। सो बद्दी चंडीगढ़ से बिल्कुल पास ही पड़ता है, तो काफ़ी लोग जो हैं चंडीगढ़ में हिमाचल की गाड़ियाँ ढूंढते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है,
सेडान कार अगर आप हुंडई की देख रहे हो कम बजट वाली, तो ये गाड़ी आप परचेज कर सकते हैं। एंड इसका लास्ट प्राइस क्या है? ये 425 की दे देंगे। सो 425 जो है इसका लास्ट प्राइस है, बाकी जब आप आओ ऑन द टेबल रिगार्ड्स हो जाएगा। एंड उसके बाद सेम एक और अमेज होंडा की अमेज गाड़ी जो कि सेम मतलब बद्दी में ही रजिस्टर्ड है, एंड हिमाचल से अगर आपको, और एक जैसा कि मैंने पहले बताया चंडीगढ़ में हिमाचल की गाड़ी देख रहे हो, तो ये भी सेकंड ऑप्शन आपके लिए तगड़े वाला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। सो दो ऑप्शन। इसके बाद बाहर भी इनके यार्ड में हिमाचल नंबर की काफ़ी सारी गाड़ियाँ मैंने देखी हैं, जिनका एक स्पेशल ब्लॉग ही मैं आने वाले टाइम में बनाने वाला हूँ। सो ये होंडा अमेज नए वाला सेकेंड जनरेशन मॉडल है, नया मॉडल जो आया था, एंड ये टॉप मॉडल है, 2018 डीजल वेरिएंट है ये, एंड ओनली ये 50,000 किलोमीटर चली हुई है। फर्स्ट ऑनर दोनों कीज़ के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। सो फ्रंट से इसका प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स तो नहीं है, नॉर्मल वाले लैम्प्स हैं, बट नीचे फॉग लैम्प वगैरह, और टॉप मॉडल है ये, पुश बटन स्टार्ट का ऑप्शन भी इसमें मिलेगा। एंड ये गाड़ी जो है 7,10,000 इसका डिमांड प्राइस रखा हुआ है, जबकि इसकी नई की कीमत अराउंड 10-10.5 लाख के आसपास है। सो कम चली हुई होंडा की गाड़ी अगर आप परचेज करना चाहते हो और उसके साथ आप पैसा भी सेव करना चाहते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए ये है। सो इसका लास्ट प्राइस बताएंगे आप मनीष? 685 का लास्ट प्राइस। सो 685 में ये लग्जरियस सेडान होंडा की गाड़ी आपकी हो सकती है। उसके बाद फिर होंडा की ही अमेज, जो पीछे मैंने गाड़ी दिखाई उससे पहले वाला वेरिएंट, मतलब फर्स्ट जनरेशन होंडा अमेज, हरियाणा में रजिस्टर्ड है, और फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरीके का है। गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन काफ़ी अच्छी है, 2017 का मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट है ये गाड़ी, एंड 5,50,000 इसकी डिमांड है, 45 किलोमीटर ड्रिवन है ओनली। सो ये गाड़ी भी आपके लिए है अगर आप हरियाणा के हो, हरियाणा के ना भी हो तो भी हिमाचल के लिए NOC प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जबकि ये 2017 मॉडल है, तो 18 में चेंज हुआ था मॉडल। सो ये फर्स्ट जनरेशन का लास्ट वाला मॉडल है, जबकि ये है नया मॉडल। सो ये अगर आपके प्रेफरेंसेस में है तो आप इस गाड़ी को भी चूज़ कर सकते हो। ओवरऑल गाड़ी की कंडीशन अच्छी है, अंदर से मैं डैशबोर्ड वगैरह अगर इंटीरियर्स की बात करूँ तो लाइक न्यू है, 17 मॉडल के हिसाब से ऑब्वियसली नया ही होगा। सो इसका मनीकांत जी बताएंगे लास्ट प्राइस देने वाला प्राइस क्या रहेगा? रहने वाला 5 लाख का ईडी है हमारा लास्ट देने का। सो 5 लाख का है, बाकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा डेफिनेटली होएगा। सभी कार्स के ऊपर जो जो रेट्स हमने बताए आपको, उनमें नेगोशिएशन का स्कोप हमेशा रहता है। कोई भी व्यूअर्स जो वीडियो देखता है उसको जस्ट आइडिया देने के लिए कि अगर आपको गाड़ियाँ सारी दिखा दी हैं, आप पूरा प्रिपेयर होके आओ कि कौन सी गाड़ी आपके बजट के हिसाब से है। सो स्कोप हमेशा नेगोशिएशन का रहेगा। सो यही था आज का वीडियो। थैंक यू मनीकांत जी फॉर शोइंग और डिस्प्लेइंग एंड शेयरिंग ऑल द डिटेल ऑफ कार। सो अगर आप चैनल पर नए हैं एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।